वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा बेटा विहान का आफ्टरनून टू नाइट रूटीन। और वो अभी 4 साल का है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग मैंने किया है दोपहर के 2 बजे से, तो ये उसका है लंच टाइम। और लंच में हम लोग जो खाना खाते हैं, विहान एग्जैक्टली सेम वही वाला खाना खाता है, चावल और एक आयरन रिच टारो रूट की सब्जी एंड साथ में अंडा करी विद सम पोटैटोस। तो यही था आज का लंच। तो वियान कभी कभी खुद से खा लेता है, कभी कभी मैं उसको खाना खिला देती हूँ। और वियान ना चम्मच से खाना प्रेफर करता है, क्योंकि हाथों से अगर वो खाता है ना तो पूरा मेस क्रिएट हो जाता है, जो वियान को खुद ही पसंद नहीं है, तो इसलिए वो चम्मच से खाना ही ज़्यादा प्रेफर करता है। आफ्टर लंच ये उसका मैंडेटरी है, एक टुकड़ा लेमन उसको चाहिए ही चाहिए। और वो अभी मुझे बोल रहा है कि मम्मा मुझे यूट्यूब देखने दो अभी, तो बिकॉज ये उसका स्क्रीन टाइम है। तो स्क्रीन टाइम वियान का एकदम फिक्स्ड है कि कब दिखाती हूँ मैं, कितना टाइम दिखाती हूँ, वो बिल्कुल फिक्स्ड है। और प्ले रूम पूरा गंदा होकर फैला के रखा है वियान ने, और वो अपना लेमन एंजॉय कर रहा है एंड साथ में स्क्रीन टाइम भी। थोड़ी देर स्क्रीन टाइम एंजॉय करने के बाद अभी है वियान का नैप टाइम। और नैप वियान जनरली 2 से 3 घंटे का लेता है, तो जिस दिन जितना टायर्ड होता है उस हिसाब से उसका नैप होता है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, और उठते ही खेलना स्टार्ट। हाँ, कहाँ से ये बॉक्स ले लिया आपने? ओके चलो कुछ खाते पीते हैं, है ना? मैं एक माँ हूँ, और एक माँ को हमेशा ये टेंशन रहता है बच्चे का खाना को लेकर, बच्चा खाना खा रहा है या नहीं, बच्चा जो खा रहा है उससे उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं, बच्चे का सही ग्रोथ हो रहा है या नहीं। और टेंशन लेने वाली बात भी है, बिकॉज ये जो ग्रोइंग एज है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि इम्यूनिटी, वेट, हाइट एंड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। और मेरे पास काफी सारे मम्मीज की मैसेजेस आती है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम हमारे बच्चे को हेल्दी खाना खिलाए और एकदम पौष्टिक चीजें दे, लेकिन हमारा बच्चा सही तरीके से खाना नहीं खाता है और अक्सर कुछ कमी रह जाती है। सो देखिए, प्रॉब्लम तो मेरे घर में भी है, क्योंकि विहान को मैं हमेशा सही मात्रा में खाना दिया करती हूँ और उसका वेजिटेबल फ्रूट्स का भी ध्यान रखा करती हूँ। लेकिन हाल ही में मुझे पता चला उसकी पीडियाट्रिशियन से कि विहान को जो न्यूट्रिशन मिल रहा है ना, वो ढंग से उसके बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है। सो मैंने सोचा आई विल सप्लीमेंट माय सन्स डाइट विद अ हेल्थ ड्रिंक। सो ऑन रिसर्चिंग देयर आर सो मेनी हेल्थ ड्रिंक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो आफ्टर स्पीकिंग टू माय फ्रेंड एंड विहान्स डॉक्टर, मैंने चूज किया Aptagro। इसमें है 37 essential nutrients, 100% milk protein, calcium, vitamin D and vitamin K2, जो height gain and healthy weight gain के लिए help करता है। Aptagro में है DHA के साथ साथ iron and iodine, जो brain development के लिए help करता है। इसमें है prebiotics with NutriAbsorb formula, जो better nutrient absorption करता है। And अभी it's really important कि हम focus करें nutrient absorption में, ताकि nutrient utilization better हो। जैसे vitamin C help करता है iron absorption में, and calcium help करता है vitamin D absorption में। And it also supports gut health and immunity। और अगर हम compare करें Aptagro को दूसरे health drink के साथ, then इसमें है 35% less sugar and low fat। और Aptagro में है यूनिक ब्लेंड ऑफ प्रीबायोटिक्स, जो हेल्प करेगा विहान को बेटर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में। प्रीबायोटिक्स स्टमक इन्फेक्शन को मिनिमाइज करता है और गैस प्रोडक्शन रिड्यूस करता है और स्टूल फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी को भी इम्प्रूव करता है। ऑल्सो विद 20% मोर इम्यून न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन ए, ई, B6 एंड जिंक, इम्यूनिटी सेल्स प्रोड्यूस करेगा, जो विहान को हेल्प करेगा टू फाइट अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। और अगर बच्चे कम बीमार होंगे ना, देन बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हेल्दी होगा। Aptagro मैं विहान को दिन में एक बार दिया करती हूँ, वो भी शाम के वक्त, और विहान इसको आसानी से पी लेता है। उसको वैसे भी वैनिला फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद है। Aptagro का टेस्ट इज अप्रूव्ड बाय विहान, सो अभी विहान के ग्रोथ को लेकर मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। Aptagro, साइंटिफिकली डिजाइंड न्यूट्रिशियस मिल्क ड्रिंक फॉर ग्रोइंग किड्स। Aptagro की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपका बच्चा ग्रोइंग एज में है ना, देन जरूर चेक कीजिए। अभी है उसका होमवर्क टाइम, तो डेली बेसिस पे विहान के स्कूल से कुछ ना कुछ होमवर्क देते ही देते हैं। तो अभी विहान को जैसे स्कूल में ना नंबर्स, लेटर्स, ये सब सिखा रहा है, तो विहान को 1 से 10 तक
स्कूल में अच्छे से सिखा दिया है, तो अभी लास्ट एक बार रिविजन कर रहे हैं वो लोग। तो ट्रेस द नंबर्स और ट्रेस द लेटर्स, तो कुछ ऐसा होमवर्क उसको आज मिला है, तो अभी मैं उसको वही सब कुछ फिनिश करा रही हूँ। होमवर्क फिनिश कर लिया, तो चलिए अभी ध्यान के लिए कुछ स्नैक्स बना लेते हैं। तो मेरे पास ना साबूदाना पहले से ही भिगोया हुआ था, तो ये अच्छे से फूल भी गया है, आप देख सकते हो। तो आज साबूदाना के साथ एक अच्छा सा स्नैक्स बनाएंगे ध्यान के लिए भी और हमारे लिए भी। तो इसके लिए हमें चाहिए कुछ उबले हुए आलू। आलू भी पहले से ही उबाल के मैंने रख दिया था, तो इसलिए झटपट बन गया सब कुछ। और ले लिया है कोरिएंडर लीव्स, थोड़ा सा जीरा हमने डाल दिया, फिर नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, और इसमें मैं डालूंगी ब्लैक पेपर पाउडर। अगर बच्चे नहीं खा रहे हो तो हरी मिर्ची चॉप करके डाल सकते हो। और यहाँ पे पीनट मैंने क्रश करके डाला है, ड्राई रोस्ट किया था पीनट को और उसको फिर ग्राइंडर में रफली ग्राइंड कर लिया है। और थोड़ा सा लेमन जूस मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और फिर सबको अच्छे से हाथों से मसल मसल के आपको ना मिक्स करनी है, तो चम्मच से ये काम नहीं होगा, तो इसलिए अपने हाथों का ही यूज़ करें और अच्छे से मसल मसल के एक अच्छा सा मिक्सचर आप बना लें। तो ये देखिए अभी ये साबूदाना का मिक्सचर कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अभी ना इसको आपको बॉल या फिर थोड़ा सा चपटा करके एक टिक्की का शेप बना के आप इसको डीप फ्राई कर सकते हो, बट मैं इसको बनाऊंगी अप्पम पैन में, क्योंकि अप्पम पैन में बनाने से आपका ऑयल जो है ना वो कम कंज्यूम होता है। तो मैंने ना सारे कैविटी में घी डाल दिया है एंड उसके बाद ऐसे छोटे छोटे मैं राउंड शेप का बड़ा बना के मैं सारे जो कैविटी के अंदर ना डाल रही हूँ। तो अप्पम पैन में बनाने का यही फ़ायदा है कि ऑयल बहुत ही ज़्यादा कम कंज्यूम होता है। और थोड़ी देर पकाने के बाद ऊपर से भी मैंने घी डाल दिया, और आप चाहे तो ऑयल में भी पका सकते हो, कोई बात नहीं। फिर इसको मैं फ्लिप कर रही हूँ और दोनों साइड से अच्छे से इसको पका लेंगे। और कुछ देर बाद ये देखिए सारा जो साबूदाना बड़ा है ना वो रेडी हो गया, तो अभी मैं इसको निकाल रही हूँ। तो चलिए पहले ध्यान को सर्व करते हैं। I know, I'm the best. And you are the best, Papa too. Okay. And you are the best too. Thank you, Papa. Do you like this? Yeah. Okay. Hey guys, please don't fight. Okay. खाना पीना हो गया, तो अभी है एक्टिविटी टाइम। तो इस टाइम पे मैं और वियान कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करते हैं। तो आज जैसे हम लोग ना एक्टिविटी बुक सॉल्व करेंगे, तो कभी पजल खेल लिया हमने, कभी ब्लॉक्स के साथ कुछ बना लिया, तो ऐसे कुछ ना कुछ हम दोनों करते रहते हैं ताकि उसका भी मन लगा रहे, कुछ अलग सा करने का मौका मिले, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो जिसके साथ उसको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग भी हो, तो ऐसा कुछ करना प्रेफर करती हूँ। तो आज सबसे पहले ये ट्रेस द लाइन किया है, तो ये करने का फ़ायदा यही है कि उसको राइटिंग में ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। फिर नाउ what we have to do is count the beetles, how many beetles are there, so count and write here, okay? How many beetles, count pencil de count karo, it's a ladybug. Acha, ladybug, okay, I'm sorry. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay, write 10 here. All right, next, what is this? Honeybee. Honeybee. How many honeybees are there? Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No. 8. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No. 9. Yes, 9. Right, 9. Next, fish. How many count? Fish count? It's a bird. What, a bird? Achha, sorry. How many birds? Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, 6. All right. Well done. Good job. Which two planets look the same? Match. You have to match. Match. This one. Uh-huh. Find out the way. Yes. Here, this side. Yes. Write the missing numbers. Here is 1 and here is 5. 2, 3, 4, 5. Right? Good job. Then write 3.
12. तो बहुत सारे एक्टिविटीज एंड बहुत सारे लर्निंग के बाद ये उसका टाइम है टू प्ले. तो अभी वो अपने पापा के साथ प्ले कर रहा है. तो जनरली पापा के साथ उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है स्पेंड करने के लिए. एक यही वाला टाइम मिलता है पापा के साथ थोड़ा देर स्पेंड करने के लिए. तो यहाँ पे वो दोनों बैठ गए हैं, मैग्नेटिक टाइल्स लेके कुछ लाइट हाउस टाइप बना रहे हैं दोनों. और दोनों ही पेरेंट्स को ना बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इससे बच्चों के साथ पेरेंट्स का जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है. और फिर अभी है डिनर टाइम. तो डिनर में बना था चावल, मसूर की दाल, आलू एंड पनीर की ग्रेवी. सो डिनर मैं जनरली विहान को 9:30 बजे के अंदर मैं करा दिया करती हूँ. और डिनर करने के बाद फिर से थोड़ी देर वो स्क्रीन टाइम अपना एंजॉय करता है एंड तब तक हम भी हमारा डिनर जो है ना वो फिनिश करते हैं. अभी उसका सोने का टाइम है और सोने से पहले विहान को थोड़ा सा पानी पी लेने का आदत मैंने काफ़ी दिनों से उसको डाला है. और साथ में वो अपना स्टोरी बुक भी लेके आया है. तो वो डेली चूज करता है कि कौन सा स्टोरी बुक उसको आज रीड करना है. और स्टोरी बुक पढ़ने की आदत मैंने उसको नया डाला है आफ्टर हिज बर्थडे. और आज उसने चूज किया है पंचतंत्र बुक. तो ये उसका फेवरेट है क्योंकि में काफ़ी सारे एनिमल्स का स्टोरीज है. 11:30 बजे के अंदर अंदर विहान सो जाता है और यहाँ पे हो जाता है हमारा आज का दिन का एंड. आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना. और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.